गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस फिजिक्स क्लास 8, चैप्टर नंबर 11, साइंस का चैप्टर नंबर 11, और ये फिजिक्स का चैप्टर पहला है फोर्स एंड प्रेशर। पिछले दिन हमने फोर्स के बारे में बताया और फोर्स के इफेक्ट के बारे में बताया, फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, और जैसे फोर्स रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में ला सकता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो कैसे ये काउज करता है, किस प्रकार से इफेक्ट लाता है, तो ये फोर्स प्रेशर के द्वारा, फोर्स प्रेशर काउज करता है और ये प्रेशर ही ये सारे चेंजेज लाता है। यानी प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। प्रेशर क्या है तो फोर्स का इफेक्ट है। आज हम लोग इस प्रेशर के बारे में ही जानेंगे कि ये प्रेशर क्या है। देखिए डिफिनीशन, प्रेशर इज, प्रेशर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये फोर्स का डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन से ये दो बातें समझ में आती है कि प्रेशर या तो फोर्स पे डिपेंड करता है या एरिया पे डिपेंड करता है या दोनों पे डिपेंड करता है। तो फोर्स, यहाँ देखिए, प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स कितनी मात्रा में है, ज़्यादा है या कम है, और दूसरा द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाई। जिस एरिया पे फोर्स वर्क कर रहा है उस एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर हैं प्रेशर के, और चूंकि इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करता है इसलिए प्रेशर के डिफिनीशन में भी इन्हीं दो बातों को शामिल किया गया, फोर्स और एरिया को, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो कहता है द ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द इफेक्ट, या कहें ग्रेटर द प्रेशर। यानी फोर्स अधिक होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और यदि फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। इस बात को हम साबित कैसे कर सकते हैं? तो सपोज करिए कि एक गीली मिट्टी है और उसमें आप एक छोटा सा एक स्टोन गिट्टी ऊपर से गिराए और एक बड़ा सा ढेला, बड़ा सा बजनी ढेला वो गिरा है, क्या देखते हैं? जो छोटा सा स्टोन था वो उस गीली मिट्टी में बहुत कम डीप में गया, और जो बड़ा ढेला था, जो जिसका वेट ज़्यादा था यानी फोर्स ज़्यादा था, वो बहुत अंदर गया, बहुत डीप में गया। इससे ही साबित हुआ यदि फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तब तो वो बहुत अंदर में गया, बहुत डीप में गया, और यदि फोर्स कम होगा तो वो प्रेशर भी कम होगा। जैसा कि आपने देखा कि छोटा स्टोन था तो उसका फोर्स भी, वेट कम था यानी फोर्स कम था, इसलिए वो गीली मिट्टी में ज़्यादा अंदर नहीं गया, है ना। तो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द प्रेशर, ये बहुत बड़ा फार्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने में, रीजन बताने में आपको ये काम आएगा। दूसरी बात है एरिया, द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। एरिया पर भी डिपेंड करता है, जिस पर कि फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस एरिया पे। यदि लार्जर द एरिया, अब देखिए लिखा हुआ है लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर। यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और यानी एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लिया जाए कि आप उस गीली मिट्टी में एक अंगुली जो है आप फोर्स प्रेस करते हैं तो वो अंगुली आपका बहुत अंदर तक जाता है, लेकिन यही यदि आप मुट्ठी से आप दबाते हैं, मुट्ठी बांधकर आप गीली मिट्टी को प्रेस करते हैं तो वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता। क्यों? अंगुली का एरिया जो है, एरिया ऑफ कंटैक्ट बहुत थोड़ा है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा हुआ और वो ज़्यादा डिप में चला गया। जबकि आप जब मुट्ठी बांधकर दबाते हैं तो एरिया ऑफ कंटैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रेशर वहाँ कम जाता है। जबकि फोर्स दोनों जगह बराबर ही है,
आप दोनों को बराबर ताकत से ही, अंगुली को भी बराबर ताकत से और ये मुट्ठी को भी उसी प्रेशर उसी फोर्स से आप प्रेस कर रहे थे, दोनों बराबर फोर्स से आप प्रेस कर रहे थे, फिर भी अंगुली अंदर गया और मुट्ठी जो है ज़्यादा अंदर नहीं गया। तो इससे साबित होता है लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर एंड स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, है ना। तो इस तरह से प्रेशर के बारे में आपने जाना। अब देखिए प्रेशर को डिनोट करते हैं, प्रेशर इज डिनोटेड बाई पी, कैपिटल पी। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेशर को कैपिटल पी से ही डिनोट करें। यदि आप स्मॉल पी लिख देंगे तो उसका कुछ अलग मीनिंग होगा। फिजिक्स में इस बात का बहुत ध्यान रखना है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिनके ऑनर में प्रेशर का यूनिट पास्कल रखा गया है और इस पास्कल का सिंबल है पी ए, पी कैपिटल और ए स्मॉल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंबॉलिक फॉर्म में एन बाई मीटर स्क्वायर या एन पर मीटर स्क्वायर। फार्मूला देखिए प्रेशर का क्या है, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, जहाँ पी क्या है प्रेशर है, एफ क्या है फोर्स है और ए क्या है एरिया है। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन, मान लिया जाए कि फोर्स 100 न्यूटन है और एरिया 2 मीटर स्क्वायर है मात्र, तो प्रेशर कितना होगा ये क्वेश्चन है। तो पी इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया फार्मूला है। तो एफ कितना है 100, एरिया कितना है 2, 100 बाई 2 कितना आया 50 पास्कल, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में एफ इज इक्वल टू 100 मीटर, जो यहाँ पे फोर्स है फोर्स वही है लेकिन एरिया देखिए क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, यहाँ 2 मीटर है स्क्वायर है एरिया, यहाँ एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, तब प्रेशर कितना होगा देखिए फोर्स बाई एरिया 100 बाई 4 कितना आया ये 25 पास्कल, यानी एरिया बढ़ गया, पहले 2 था अब 4 बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। इससे आपका ये बात साबित हो गया कि लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, ये बात क्लियर हो गया है ना। अब देखिए पहला एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल को देख लीजिए। एफ इज इक्वल टू 80 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पहला और तीसरा एग्जाम्पल में क्या अंतर है, एरिया दोनों में सेम है, यहाँ भी 2 मीटर स्क्वायर यहाँ भी 2 मीटर स्क्वायर है, लेकिन फोर्स जो है बदल गया, यहाँ 100 न्यूटन है यहाँ 80 न्यूटन है, तो प्रेशर कितना हो गया भाई देखिए, फोर्स बाई एरिया यानी 80 बाई 2 40 पास्कल। देखिए जब यहाँ फोर्स ज़्यादा था तो पास्कल आया था, प्रेशर आया था 50 और यहाँ फोर्स कम गया तो प्रेशर 40 आया, यानी प्रेशर भी कम गया। इससे क्या साबित हुआ, लार्जर द फोर्स लार्जर द प्रेशर, स्मॉलर द फोर्स स्मॉलर द प्रेशर, है ना। तो इस तरह से आपने फोर्स के बारे में जाना। आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, डिफाइन प्रेशर, सेकेंड क्वेश्चन राइट द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, जिन बातों पर प्रेशर डिपेंड करता है उनको लिखना है, और थर्ड सी पेज नंबर 147 एग्जाम्पल, पेज नंबर 147 में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिए और उसको खुद से करिए, बनाया हुआ है लेकिन उसको समझिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इट्स ओके, थैंक यू।